राधे कृष्णा चैनल से मैं उषा तिवारी आज सबको मेरी तरफ से जय माता दी। मेरे भक्त जनों, मेरे भक्त भाई बहन, आज मैं एक उपाय बता रही हूँ जिसको कर लेने मात्र से घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी, माँ की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो आज महाअष्टमी है, माँ का रूप पूरा अष्ट रूप में ये आज प्रकट हैं। तो इन कन्या अगर आप जिमाते हैं तो आज के दिन ये उपाय अवश्य करें। जब भी कन्या आए तो उनका दहिना पैर अच्छे से धो करके उनके दहिने अंगूठे के उनके दहिने पैर के अंगूठे में कुमकुम लगा करके और अक्षत लगा करके और फिर उनकी पूजा करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। ये छोटी सी उपाय है लेकिन बहुत बड़ी लाभ देगा, तो इस उपाय को अवश्य करें। और आज आठवां दिन है दोस्तों, इस मंत्र को पढ़ लेने मात्र से सारी हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो मंत्र इस तरह से है श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। तो इस मंत्र को अगर आप सुनते हैं या पढ़ते हैं तो इससे बहुत लाभ होगा। माँ दुर्गा, इसका अर्थ यह है कि माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के आठवें दिन महागौरी का उपासना किया जाता है। इसी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है, इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलुष धुल जाते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी आपको कुछ भी इसमें अच्छी जानकारी लग रहा हो तो आप लोग और भी लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबका कल्याण हो। माता रानी आई हैं नौ दिन, सबके घर घर विराज रही हैं, तो सबको अपना फल वरदान दे करके ही विदा हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।